Hello everyone, hi. Am I audible? Hello everyone, hi. Am I audible? Chalo, great. So, this. Okay, I think everything is clear now. So today we are going to do a Menti quiz. Hello, hi. कितने लोग आए? हेलो निराली, हेलो धीर मेहता, हाय, हाउ आर यू? हेलो धीर, कैसे हो? हाय एवरीवन. सो आर यू, तुम लोगों ने पढ़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर पढ़ा है? क्योंकि भाई साहब जो हमारा मेंटी होने वाला है आज वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे होने वाला है. सो वी आर हैविंग अ मेंटी ऑन, अरे यार इतना बड़ा पेन तो नहीं चाहिए अपने को, ठीक है छोटा पेन रखते हैं, चिल्ड पेन रहेगा छोटा. वी आर, इतना भी छोटा नहीं चाहिए था. ओके, तो वी आर हैविंग अ मेंटी ऑन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना बायोलॉजी का, इस चैप्टर पे हम लेने वाले हैं. हाँ मैंने पढ़ाया था, राइट, एब्सोल्युटली राइट. मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर तुम प्लस में हो या फिर तुम मेरे कोई भी स्पेशल क्लास में आए होगे तो मैंने ये चैप्टर को थोड़ा बहुत तो स्पेशल में पढ़ा और पूरा का पूरा हमने कंट्रोल कर एंड कोऑर्डिनेशन ख़त्म किया था इन प्लस सेशन. चलो ग्रेट, डू शेयर दिस लिंक इफ पॉसिबल. तुम लोग ये लिंक को चारों तरफ शेयर करो तो हम मेंटी को शुरू करेंगे और काफ़ी मचाएंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो माई सेल्फ शुभम झा, एन एजुकेटर बाई चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर. एंड अब तक अगर तुमने कोई भी प्लस क्लास अटेंड नहीं किया है मेरा या फिर कोई भी स्पेशल क्लास अटेंड नहीं किया, तुम पहली बार आए हो और डायरेक्टली यूट्यूब पे आए हो, तो आप आ सकते हो मेरे स्पेशल क्लास में. मेरा अगला स्पेशल क्लास कौन से टॉपिक पे है इस बारे में मैं बताने वाला हूँ तुम्हें आगे चल करके, ठीक है, जिसमें तुम कल आके एनरोल कर सकते हो एंड तुम अनअकैडमी के कोई भी फीचर को इस फ्री कोड से यूज करके अनलॉक कर सकते हो. जैसे कि SJS ऊपर कोई भी चीज़, कोई भी एक फीचर तुम इस कोड को यूज करके फ्री में अनलॉक कर सकते हो, एक्सक्लूडिंग प्लस एंड आइकॉनिक, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडे क्लास. और आज हम क्विज करने वाले, ऑलरेडी हमने ये सेशंस में पढ़ा तो है ही, ठीक है. हाय शर्वानी, हेलो, हाउ आर यू? सो एवरीवन ज्वाइन फास्ट, फटाफट ज्वाइन कर लो, ठीक है. वी हैव टोटल 25 क्वेश्चंस, फटाक से ज्वाइन कर लो. 25 क्वेश्चंस, फटाक से ज्वाइन कर लो. इफ़ यू विल नो कि सर कोड क्या है, तो फॉर कोड यू कैन 4710382. आई राइट इट इन द चैट, 4710 3832 57 डाल दिया मैंने, बोलो इट इज 47. या मैंने इसको चैट में भी डाल दिया तो आप ज्वाइन कर सकते हो. देखो बाकी सारे बच्चे ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है. सो ज्वाइन फास्ट गाइज, फटाफट ज्वाइन करो, ठीक है. वी नीड टुडे एटलीस्ट 50 पीपल. आज हमारा टारगेट है 50 बच्चों का. वी आर रनिंग विद अ टारगेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स टुडे, एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स. ओके, 50 स्टूडेंट्स. शो डू शेयर इट, शेयर करो इसको सभी को एंड आस्क देम टू ज्वाइन. सो राइट नाउ वी हैव डन विद फोर स्टूडेंट्स. ज्वाइन फास्ट. अजय झा सर, ये चैप्टर आपने पढ़ा दिया है क्या? या सर जी, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी प्लस पे पूरा कंप्लीट कर दिया है. इनफैक्ट बायोलॉजी कंप्लीट कर दिया है, बस एक चैप्टर बाकी है प्लस पे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. तो अगर आपको बायोलॉजी में कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लस ज्वाइन कर सकते हो, आपको हेल्प हो जाएगी. इतना ही नहीं, हमारा एक फिजिक्स का भी कोर्स आने वाला है जिसके बारे में थोड़ी देर बाद मैं तुमसे शेयर करूँगा. उस फिजिक्स के कोर्स में हम फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स को ख़त्म कर देंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को ख़त्म कर देंगे. और इतना ही नहीं भैया, डायग्राम से अगर तुम्हें डर लगता है, डायग्राम से अगर तुम्हें डर लगता है तो हमारा एक कोर्स आने वाला है जिसमें हम डायग्राम्स भी पढ़ने वाला है. अच्छा बच्चा बाटी, आज एक बात बताना चाहता हूँ कि आज जो टॉप 10 विनर्स होंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा. विनर्स, टॉप 10 विनर्स को मिलेगा सर्टिफिकेट, ठीक है. सो फास्टली ज्वाइन कर लो. सर स्टार्ट प्लीज़ बेटा. 7 लोगों में क्या स्टार्ट करना बेटा, बताओ. कम से कम इसको 70 तो हो जाने दो, ठीक है ना. 7 लोगों में क्या ही स्टार्ट करना. आप लोग शेयर करोगे फिर हो जाएगा. हाँ अनअकैडमी के ऐप में बेटा, भाई अनअकैडमी ऐप में कंप्लीट किया जो भी किया। नहीं नहीं अभी तो स्टार्ट नहीं करूँगा मैं, भले मैं बंद कर दूंगा सेशन, लेकिन 7 स्टूडेंट्स में तो मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ अजय अनअकैडमी ऐप में मैं टेलीग्राम ग्रुप पे एक बार फिर से शेयर करता हूँ। कोड क्या है? 4710 3832। फास्ट अब देखो कैसे बच्चे आएंगे, अब भर भर के बच्चे आएंगे। मतलब टाइम कितना होगा मिनटी, उसके बाद आओ। नहीं अभी 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, 2-3 मिनट में आ जाएंगे बच्चे लोग, टेंशन ना लो। जूम में अगली बार जब क्लास होगी तो मैं शेयर करूंगा सभी लोगों के साथ। चलो सो वी आर डन विद 10 स्टूडेंट्स। बाद में आप लोग आओगे तो तुम बड़ा पछताओगे। कोई बात नहीं, बच्चे मेंटी पे है ना, बच्चा मेंटी पे धीरे धीरे वॉचिंग बढ़ता है। यूट्यूब पे थोड़ा डेटा का भी प्रॉब्लम है। ओके एनी विच वे गाइज लेट्स स्टार्ट। जब तक लोग ज्वाइन करेंगे तब तक हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइज, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछना चाहता हूँ, वो है इन द बॉडी द नर्व्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। अगर हम इंसान की बॉडी की बात करते हैं तो जो नर्व्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? सोचो समझो फिर जवाब दो। इज इट ब्रेन, इज इट वर्टेब्रल कॉलम, इज इट स्पाइनल कॉर्ड, या फिर बोथ ए एंड सी? ठीक है अच्छा एवरीवन, यूट्यूब के चैट पे अपना नाम बता देना, क्योंकि अगर तुम टॉप 10 में हो, क्योंकि अभी 10 से 11 ही बच्चे हैं तो कोई ना कोई टॉप 10 में होगा ही, डेफिनेटली होगा। तो यूट्यूब पे अपना नाम एक बार जरूर बता देना। एंड हाँ सेशन छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि लास्ट में सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोथ ए एंड सी आंसर दिया, तो डेफिनेटली द राइट आंसर इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों जगह से नर्व्स निकलते हैं। एंड लेट्स सी द लीडर बोर्ड, लेट्स सी द लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड कहाँ है? लीडर बोर्ड ही नहीं है इधर। ओ लीडर बोर्ड डाला ही नहीं, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 25, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या, देखो डैश गिव्स ऑर्डर टू द बॉडी पार्ट्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। कौन सी चीज बॉडी को ऑर्डर देती है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए? इज इट ब्रेन, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड, या बोथ ए एंड बी? मतलब ब्रेन और नर्व्स। सिंपल आंसर इसका, काफी सिंपल है, बहुत सिंपल। So last 1 second and the right answer was definitely brain both A and B। नहीं है भाई, लीडर बोर्ड अभी होगा, डेफिनेटली अभी लीडर बोर्ड डाला होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, डाला है। ओके सो ये इज द लीडर बोर्ड, बहुत आराम से आंसर दिया तुम लोगों ने। मिस्टर रिजवान फ्रॉम कश्मीर, अदीना, टेड, ऋषभ, सर्वनी, टीटू, गुड गाइज ग्रेट। अपना नाम रख करके आओगे और प्लीज़ अपना नाम मुझे बताओगे यहाँ पे चैट में। गुड इवनिंग महावीर, हाउ आर यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। Question 3 of 25 and the third question is, nose being a sense organ can sense। Nose क्योंकि एक sense organ है, वो क्या sense कर सकता है? Can it sense smell? Can it sense touch? Can it sense light? Can it sense sound? क्या है इसका सही आंसर? What the right answer? Faster, स्मेल, टच। ओ एब्सोल्युटली राइट, 17 लोग हैं और 17 के 17 लोगों ने सही जवाब दिया, विच इज स्मेल। ग्रेट, एब्सोल्युटली राइट गोइंग। फास्टर, स्मेल, टच। ओ एब्सोल्युटली राइट, 17 लोग हैं और 17 के 17 लोगों ने सही जवाब दिया, विच इज स्मेल। मचा दिया भाई, मचा दिया, ग्रेट। मतलब मैं इतने बार में पहली बार लोगों ने, भले क्वेश्चन कुछ भी हो, सभी लोगों का सही आंसर है। ग्रेट, शबाश मीर, रिजवान फ्रॉम कश्मीर, अदनीना, सिद्धिका, निराली, ऋषभ, तन्वी आर राय, आशीष झा, धीर मेहता, सरवनी श्रवनी श्रवनी, थैंक यू, ग्रेट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 of 25. The fourth question is now. Organ which is not included in the nervous system of a human body. अभी मैं कुछ लिस्ट देने वाला हूँ तुम्हें. उस लिस्ट में से तुमको बताना है कि कौन से वो organs है जो human nervous system में included नहीं है. Is it brain, spinal cord, stomach or nerves? So definitely the right answer is काफ़ी simple है, काफ़ी simple. बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है इसका आंसर. व्हाट इज द आंसर गाइज? कैन यू राइट इन द चैट ऑफ यूट्यूब? यूट्यूब के चैट पे लिख सकते हो तुम. कैन यू राइट इट? व्हाट इज द आंसर? ओके, एवरीवन हैज ऑलमोस्ट वोटेड. कुछ लोगों को लग रहा है स्पाइनल कॉर्ड. ब्रो प्लीज, जिसने भी गलती किया प्लीज यार, यू नीड टू स्टडी. तो राइट आंसर वाज स्टमक डेफिनेटली. लेट्स सी द लीडर बोर्ड. ओके, सो सिद्धिका हैज मेड अ मिस्टेक और सी माइट हैव शेड नॉट गिवन द आंसर. ओके, मीर रजवान फ्रॉम कश्मीर, अदनीना, निराली वाज वेरी फास्टर, ग्रेट, अंशिता, ऋषभ, आशीष, तन्वी, सिद्धिका, श्रवनी एंड धीर. ग्रेट गाइज, ग्रेट, ग्रेट गोइंग. ओके नेक्स्ट. मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली. आई थिंक नो, आई थिंक अजय नो, आई वोंट डू इट ऑन यूट्यूब. Hello Krishna, how are you? So the next question is basically control and coordination in the body is guided by a system known as control or coordination. एक system से guided होता है, and वो system कौन सा होता है? Is it digestive system? Is it nervous system? Is it circulatory system? Or is it respiratory system? Give me answer. No, definitely we have hard questions. Okay, so the answer was nervous system, and I think only one more person has made the mistake about circulatory system. Koi nahi, great, yeah, absolutely right, Krishna, you are right. Your answer is right. So the here the answer is every people, almost every people on the top 10 has the same frequency of giving this answer. Nirali and Anshita was fastest. Great, Anshita Gupta and Dheer. We cannot forget Dheer. Dheer is also fastest. Okay, so next question number 6 of 25. Let's see the sixth question. What is the sixth question? And the sixth question is neuron do not have. अब तुम्हें पता होगा कि न्यूरॉन कैसा होता है, तो तुम बता सकते हो कि न्यूरॉन में क्या क्या नहीं होती. लाइक हियर इज अ सेल बॉडी, डेंडेंट्रीज, फ्लैजेला, एक्सॉन. तो न्यूरॉन के पास क्या नहीं होता? सो द राइट आंसर हियर इज डेफिनेटली द राइट आंसर. काफ़ी लोग गलती करेंगे इसमें, आई नो, काफ़ी लोग कर सकते हैं, बट आई होप अ पॉजिटिव आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. नो 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 कृष्णा, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग कृष्णा. सो द राइट आंसर वॉज फ्लैजेला. न्यूरॉन डोंट हैव फ्लैजेला. ठीक है, दे हैव सेल बॉडी, डेंडेंट्रीज एंड एक्सॉन. लेट्स सी द लीडर बोर्ड एंड देन आई विल एक्सप्लेन द आंसर. आई विल एक्सप्लेन द आंसर. ओके, सो इफ यू कैन सी द लीडर बोर्ड, सभी लोगों ने सही दिया. अदनीना इज हैड मेड अ मिस्टेक और प्रोबेबली शी हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन. कोई नहीं, या अमित, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक चल रहा है. लेट मी दिखाता तुमको आंसर, दिखाता तुमको. अभी देखो यार कैसा होता है कि जो तुम्हारा न्यूरॉन होता है ना, सबसे पहले उसमें इधर यहाँ पे होता है एक ऐसे एक चीज़ होती है जिसको क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं तुम्हारा साइटोप्लाज्म. यहाँ पे सबसे पहले होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म. ठीक है, यहाँ पे होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म. ठीक, इन साइटोप्लाज्म के ऐसे बाजू में, ध्यान से सुनना, इस साइटोप्लाज्म के इस तरीके से बाजू में, ठीक है, इस तरीके से होता है. ठीक है, इस तरीके से एक पार्ट होता है, और उसके बाद ऐसे छोटे छोटे से पार्ट होता है. ठीक है, ऐसे छोटे छोटे सा पार्ट होता है. ओके, ऐसे छोटे छोटे से पार्ट होता है, इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से. एंड फाइनली ये चीज़ जा करके इस तरीके से ख़त्म होता है. ये फाइनली आगे जा करके इस तरीके से निकलता है. मतलब अगर मुझे बताना होगा तो मैं इसको इस तरीके से निकलता है ये. ठीक है, इस तरीके से निकलता है. सो ओके, इस तरीके से निकलता है। एंड यहाँ पे अगर तुम पार्ट्स को नाम देने जाओगे, अगर मैं पार्ट्स को नाम देने जाता हूँ यहाँ पे, तो आई कैन गिव द नेम्स लाइक, मतलब जो होते हैं वही देंगे, हम गलत तो नहीं देंगे, ठीक है। इस चीज़ को मैं बुलाता हूँ, ओके आई विल टेक सम लाइटर कलर कि तुम्हें विजिबल हो, ओके आई विल टेक दिस कलर, ठीक है। इस चीज़ को मैं बुलाता हूँ डेंडेंट राइट्स, डेंडेंट राइट्स, ठीक है। ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये वाला जो यहाँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस वाले पार्ट को मैं बुलाता हूँ न्यूक्लियस, क्योंकि एक टाइप का सेल है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाले पार्ट में इस तरफ होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, यहाँ पे होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म। इन चीज़ को एक्सॉन कहते हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं उसको एक्सॉन कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको एक्सॉन की एंडिंग कहते हैं, तो एक्सॉन टर्मिनल या फिर एक्सॉन एंड्स कहेंगे इसको, एक्सॉन एंड। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है बेसिकली, ये जो तुम्हारे लिए मैंने डायग्राम बनाया है, दिस डायग्राम इज़ ऑफ न्यूरॉन, ये है न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ सेल जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो आई होप कि डायग्राम तुम्हें देख करके क्लियरली समझ में आया होगा। बहुत ही आसानी से तुम्हारे सामने बना करके मैंने बता दिया कि डायग्राम कैसा होता है। एंड हमने बहुत ही कलरफुल डायग्राम बनाया, तो हमें सारी चीज़ें भी दिख रही हैं कि कैसा है नॉर्मली, ठीक है, हमें सारी चीज़ें भी क्लियरली दिख रही होंगी। एकदम कलरफुल डायग्राम बनाया हमने, ये नहीं कि कलर लेकर के हमने घिस दिया बस। इज इट क्लियर? और गाइज आई वांटेड यू ऑल टू टीच दिस, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ स्पेशल क्लास में आकर के सीखो, यूट्यूब पे सीखो, प्लस पे सीखो, या जहाँ जहाँ मिल रहा है वहाँ से तुम मेरे साथ ये सारी चीज़ें सीखते जाओ कि तुम्हें भी लर्निंग बहुत आसान लगे और काफ़ी मजा आया तुम्हें भी पढ़ने में। ओके, तो कैन आई इरेज दिस नाउ? कैन आई इरेज दिस नाउ? ओके, थैंक यू। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, वी आर बैक अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि प्रोबेबली काफ़ी लोगों ने मेंटी ज्वाइन कर लिया होगा अब तक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th of 25 एंड द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन डैश आर द सेल्स फ्रॉम विच नर्व्स आर फॉर्म, कौन से वो सेल्स होते हैं जिनसे नर्व्स बनते हैं। एंड आई थिंक पीपल आर इन मेंटी। ओके, तो अभी अभी हमने पढ़ा है, तो तुम लोग ये आंसर दे सकते हो। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है, अभी अभी हमने ये पढ़ा, तो आई थिंक यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक प्रोबेबली, ठीक है। मगर अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो, अगर तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो क्या ही कर सकते हैं। या एब्सोल्युटली राइट, एवरीवन हैज वोटेड आई थिंक राइट आंसर। कुछ लोगों ने गलती कर दी है। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ इसका आंसर न्यूरॉन। तब के पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं कि टॉप 10 में तो किसी ने मिस्टेक नहीं करी है। टॉप 10 में हो तो मिस्टेक करना तो तुम्हारे लिए ग्रेट। धीर क्या कर दिया यार, ठीक है, क्या कर दिया धीरे यार, ये तेरे से उम्मीद नहीं थी। कोई नहीं, कोई बात नहीं सर, 1 सेकंड दे दो मुझे। तो अगर तुम लोग को भी याद नहीं है, अभी अभी थोड़ी देर पहले तुमको ये दिखाया था मैंने, याद आ रहा है? यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? न्यूरॉन लिखा था यहाँ पे, ठीक है। नेफ्रॉन नहीं लिखा था मैंने, नेफ्रॉन नहीं लिखा था, याद करो, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं न्यूरॉन लिखा था, ठीक है, तो ये मिस्टेक मत करा करो। चलो ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 of 25 एंड द क्वेश्चन इज, मेंटी का नंबर है 47103832। नाक में खुजली क्यों हो रही है? डैश ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू सीएनएस, बॉडी पार्ट से लेकर सीएनएस तक मैसेज कौन ट्रांसफर करता है? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, नन। क्या है इसका जवाब? बॉडी पार्ट से सीएनएस तक, बॉडी पार्ट से सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक, तो क्या होगा? डेफिनेटली इसका सिंपल सा आंसर है सेंसरी न्यूरॉन कैन बी द आंसर। अच्छा धीर क्या करेगा, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है तो। चलो अब की बार देखते हैं किसने कितने जवाब दिया। सो सेंसरी न्यूरॉन बहुत लोगों ने जवाब दिया, मोटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन भी दिया कुछ लोगों ने। कोई नहीं, लीडर बोर्ड देख लेते हैं, लीडर बोर्ड के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलो तुमको कमेंट करने की एक परमिशन दे देता हूँ, तो तुम कमेंट कर पाओगे। चलो नेक्स्ट गाइज, अभी मैं तुम लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ बेसिकली, ठीक है। आई वांटेड टू शेयर समथिंग कि अगर तुम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को सीखना चाहते हो, ठीक है, यू वांटेड टू लर्न दिस टाइप्स ऑफ टॉपिक, तुम चाहते हो कि मैं सर आपके क्लास में आकर के आपसे ये सारे टॉपिक्स मैं सीखना चाहता हूँ, तो यू कैन यूज माई कोड, ठीक है, विच इज डेफिनेटली SJS ऊपर, ठीक है। ये मेरा कोड है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, SJS ऊपर इज माई कोड। इस कोड का यूज करके तुम यार मेरे एक फ्री क्लास में आ सकते हो। देखो ये क्लास जो है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। दिस इज अ फ्री क्लास, फ्री लाइव क्लास। एंड इस क्लास में हम क्या कर रहे होंगे, अगर उसकी बात करूँ तो हम एक पोलिंग सेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम मेंटी करते हैं, वहाँ पे हम लाइव क्विज करेंगे, ठीक है। हम एक पोलिंग सेशन करेंगे और उसके थ्रू हम जो तुम्हारा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये वाला जो चैप्टर है वो हम कर रहे होंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एंड इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे होंगे इस फ्री सेशन में। तो तुम अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो तुम आ सकते हो मेरे फ्री क्लास में यूजिंग माय कोड SJS शुभम, ठीक है, SJS ऊपर जाकर के फटाक से बुक कर लो इस क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ गाइज, इस तरीके से जैसे मैंने तुमको फ्री वाली चीज़ों के बारे में बताया, वैसे एक प्लस नाम का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक प्लस नाम का भी कॉन्सेप्ट है, एक आइकॉनिक नाम का भी कॉन्सेप्ट है। यहाँ से तुम पेड चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है। जैसे कि तुम सबसे पहले इंडिया के टॉप एजुकेटर से एक ही प्लेटफॉर्म पे सीखते हो, तुम्हें इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलते हैं, ठीक है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और पीडीएफ्स मिलता है तुम्हें, ठीक है। तुम्हें स्ट्रक्चर्ड वे में और कोर्सेज मिलता है, तुम पीडीएफ्स मिलता है। अगर तुम प्लस लेते हो तो तुम नोट्स को डाउनलोड कर पाते हो, अगर तुम प्लस ले रहे हो तो, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम आइकॉनिक लेते हो तो आइकॉनिक में इंडिया के टॉप एजुकेटर, इंटरैक्टिव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ और जो भी तुम्हारी चीज़ें हो सारी तुम्हें मिलती है। इसके अलावा तुम्हें एक पर्सनल मेंटोर देखने को मिलता है, ठीक है। तुम्हें एक सेकंड गाइस, मैं बीच में आ रहा हूँ, राइट। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें एक पर्सनल मेंटोर देखने को मिलता है। इसके अलावा तुम्हें लाइव डाउट सॉल्यूशन मिलता है, तुम लाइव डाउट सॉल्व करा सकते हो 1-to-1। फिर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ डेटा शेयर किया जाता है तो तुम्हें पेरेंट्स कनेक्ट मिलता है और तुम्हारे लिए सेपरेट एक स्टडी प्लानर बनाया जाता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और यहाँ पर ये सुपर कोड का यूज करके तुम लोगे तो और सुपर बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूँ। या अगर तुम मेरा ये कोड यूज करते हो SJS ऊपर तो तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलता है, 10% ऑफ हो जाता है और साथ में सुपर ऑफर्स मिलते हैं जो तुम्हें बाकी कोर्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। जो तुम्हें नहीं मिलेंगे तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो सुपर ऑफर्स के बारे में भी बताता हूँ। पहले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बातें करते हैं। सो ये रहा सम बैच कोर्सेज। जैसा कि तुम्हें बैच कोर्स मिलता है तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें डायग्राम वगैरह में प्रॉब्लम आता है, जैसा मैंने तुम्हें एक डायग्राम बताया कितना आसानी से, उसी तरीके से मेरा एक डार्विन बैच आने वाला है जहाँ पे मैं और भावना अग्रवाल मैम दोनों जन मिल करके ना, भावना अग्रवाल मैम इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि भावना अग्रवाल मैम इज़ अ डॉक्टर बेसिकली। तो मैं और भावना मैम, मैं हिंदी में और भावना मैम आपको इंग्लिश में पढ़ा रही होंगी सारे के सारे डायग्राम। ये जो तुम्हारा कोर्स है, ये कोर्स तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है 17 मई को, ठीक है, मतलब आज 15, 16, 17 कल परसों स्टार्ट हो जाएगा और ये 31 जुलाई को ख़त्म हुआ, तो 1 से 1.5 महीने चलेगा। ये जून और जुलाई चलने वाला है। यहाँ पे हर फ्राइडे को मैं तुम्हें 8:30 से 9:30 पढ़ा रहा हूँगा और सिमिलरली हर थर्सडे को 5 से 6 बजे भावना मैम पढ़ा रही होंगे। तुम्हारे सारे डायग्राम्स को कवर किया जाएगा, तो तुम्हें डेफिनेटली इस कोर्स में आना चाहिए। नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव अ बैच। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आता है, मान लेते हैं तुम्हें डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तुम्हें न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वी हैव आवर न्यूटन बैच, जहाँ पे मैं और हरप्रीत सिंह सर दोनों मिल करके तुम्हें सिखा रहे होंगे सारे के सारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। और ये भी 17 तारीख को स्टार्ट होने वाला और 30 जुलाई तक चलेगा। मैं हर सैटरडे को तुम्हें 5 से 6 पढ़ाने वाला हूँ और सर तुम्हें 5 से 6 पढ़ाने वाले केमिस्ट्री हर फ्राइडे को। एक बात मैं तुम लोग को बिल्कुल बताना चाहूँगा गाइज कि अगर तुम ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर तुम क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो अगर तुम यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, यहाँ पे अगर तुम पढ़ पा रहे हो तो तुम्हें क्लास 11 और क्लास 12 का जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो मान लेते कि तुम्हारा कोई भाई है छोटा जो 10th में है, ठीक है, या फिर तुम्हारा कोई भाई है जो 11th या 12th में है, तो तुम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेके उसके साथ शेयर कर सकते हो, दोनों मिल के पढ़ सकते हो। काफ़ी मचाओगे तुम लोग, ठीक है, काफ़ी मचाओगे। तो ये एक लूप होल और तुम्हें या फिर एक ऑफर के बारे में मैंने बता दिया यहाँ पे जो ऑफर है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। हर मंडे को हमारा एक नया बैच कोर्स आता है। यहाँ पे इस तरीके से देखो, न्यूटन बैच एक और है, अगर तुम इसको इनरोल करना चाहते हो तो तुम इसको भी इनरोल कर सकते हो, जहाँ पे भावना बेस्ट मैम और तुम्हें चंदन सर मिलकर के फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉकिंग अबाउट द सुपर बेनिफिट्स. लाइक अगर तुम मेरा एक सुपर कोड यूज करते हो तो दिस इज द लास्ट थिंग मैं तुम्हें बताना चाहूँगा अभी, ठीक है, कि अगर तुम मेरा ये सुपर कोड यूज करते हो तो भाई साहब तुमको कुछ सुपर बेनिफिट्स मिल रहे होंगे. जैसे कि अगर तुम एक 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो मान लो कि तुमने 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदा या गिविंग एक्स अमाउंट, तो सबसे पहले तो तुम्हें इससे 10% ऑफ मिलता है, ठीक है. सबसे पहले तो तुम्हें 12 महीने में लेने में 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, 10% ऑफ मिलेगा. मैं और डिटेल में बाद में समझाऊंगा तुम्हें. सबसे पहला बेनिफिट तो तुम्हें ये मिलेगा, साथ में तुम्हें 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा तुम्हें, ठीक है. प्लस तुम्हें मिलेगा भाई 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर, तो 3 महीने क्रिएटिव कॉर्नर. प्लस तुम्हें मिलेगा लाइफ टाइम यंग कोडर्स, तो तुम जाके कोडिंग वगैरह भी सीख सकते हो, ठीक है. यंग कोडर्स तुम्हें मिल जाएगा, यंग कोडर्स, तो तुम यार कोडिंग, सी, जावा, पाइथन, वेब डिज़ाइनिंग, ये सारी भी चीज़ें सीख सकते हो. और ये सब तुम्हें 10% ऑफ करके मिलेगा. फॉर एग्जांपल 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 15,000 का, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें खाली 13,500 रुपये में मिल जाएगी. Is it clear now? Thank you. Thank you for giving that time. Is it clear now? So, we can say कि India is a developing country and you won't believe कि मेरे साथ ये अक्सर होता है, ठीक है. मेरे साथ ये अक्सर होता है. मेरा जो अपलोड स्पीड होता है, ठीक है, जो मेरा अपलोड स्पीड होता है that is around 100 Mbps, ठीक है, 100 Mbps. लेकिन जो मेरा आई वांट टू से कि जो बेसिकली मेरा जो स्पीड है इंटरनेट का दैट इज़ अराउंड 100 Mbps. बट अचानक से जो अपलोड है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू विथ माय वाईफाई, जो अपलोड है वो 0 पे चला जाता है, 0, और जो डाउनलोड है वो 100 ही रह जाता है, 100-280 रह जाता है. आई डोंट नो ऐसा इशू क्यों होता है, बट एनी विच वे लेट्स कंटिन्यू. तो दिस इज़ द लास्ट थिंग जो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि यार अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर प्लानिंग टू बाय अ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, देयर आर मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी वेज यू कैन पे. अगर तुम एक 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो तो द बेस्ट पार्ट इज दिस 15,000. और यहाँ पे तुम अगर मेरा ये कोड यूज करते हो SJS सुपर, आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल द बेनिफिट्स, और तुम्हें यार 10% ऑफ भी मिल जाएगा साथ में. सिमिलरली अगर तुम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो तो इट इज़ 12 मंथ का इट इज़ 28,000, और जैसे ही तुम ये कोड यूज करते हो यू विल गेट 10% डिस्काउंट, ठीक है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ विदाउट एनी फर्दर टाइम. आई होप कि मेंटी पे अभी भी बच्चे होंगे, ठीक है. सो ये यार ये लीडर बोर्ड छोड़ो, आई होप कि अभी मेंटी पे बच्चे होंगे, एटलीस्ट कोई तो होगा. क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ 25, लेट्स सी द क्वेश्चन. कोई होगा तो ही ना, मैं थोड़ा खुद को बड़ा कर लेता हूँ तब तक. दैट्स द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन सा है? थैंक यू यार, थैंक यू, तुम लोग इतने देर रुके, दैट इज़ रियली ग्रेट. है मोहित, दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल. मैंने भी सोचा कि अभी 1 घंटे का सेशन, अभी तो छोड़ के जाऊंगा नहीं, 1 घंटे बैठे रहूंगा, इंटरनेट चालू हो ना हो इधर ही बैठे रहूंगा. ओके, सो द आंसर इज राइट, न्यूरॉन इज द राइट आंसर. Okay, let's go to the next question. Amazing, great. लीडर बोर्ड इग्नोर करते हैं अभी, डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आई कैन स्पीक मराठी, आई एम नॉट परफेक्टली महाराष्ट्रियन बट आई कैन स्पीक मराठी। Which of the following is not a sense organ in human body? अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करता हूँ तो इनमें से कौन सा एक सेंस ऑर्गन नहीं है? नो आई डोंट थिंक कि अभी लैग हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। प्लीज़ यार, या अभी तो इंटरनेट तगड़ा चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? आई, नोज, ईयर, ब्रेन। सो द आंसर इज ब्रेन, करेक्ट। थैंक यू सो मच, जो भी कमेंट कर रहा है, यू आर अ गुड टीचर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा यार, तुम लोग फटाफट जवाब दे रहे हो, टॉप 10 वाले हैं। तन्वी, क्या हुआ? या निराली, यू आर राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 of 25। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सेंसेशन ऑफ कोल्ड एंड हॉट ऑन स्किन इज सेंस्ड बाय, कौन सेंस करता है? थर्मोरिसेप्टर, फोनोरिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गॉस्टैटरी रिसेप्टर। So the answer is thermoreceptor. Great. Let's see the leaderboard now. So basically the leaderboard states that कि काफी लोगों ने जवाब दिया, अदनीना ने जवाब नहीं दिया। I think so because I purchased Young Coders, sir helped me in it, very happy। Okay, thank you so much, thank you so much। Okay, thank you so much। Okay, so now question number 12 of 25। Let's see 12 of 25। So which of the following activities is not under our control? कौन सी ऐसी activities हैं जो हमारे control में नहीं होती? Is it breathing, is it bathing, beating of heart, is it working of stomach, या फिर all? कोई भी हमारे control में नहीं होती। नाउ दिस इज अ आर्ग्यूएबल क्वेश्चन कि ब्रीथिंग को हम कंट्रोल कर भी सकते हैं, राइट, बट ज़्यादा देर तक नहीं। सो ऑल इज द राइट आंसर, ठीक है। हाय स्नेहा, हाउ आर यू? ओके, सो एवरी वन। अंशिता ने जवाब नहीं दिया, यश, तन्वी एंड यशराज, कोई नहीं। नाउ अभी ये वाला कॉन्सेप्ट मैं तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसा होता है। एक्चुअली हमारे बॉडी के ना दो टाइप के वो होते हैं, एक होता है एक्शंस होते हैं, जो एक्शंस होते हैं ना, हम दो टाइप के एक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है। दो टाइप के एक्शंस होते हैं बेसिकली। एक जो एक्शन होता है ना तुम्हारा, उस एक्शंस को कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, वॉलेंट्री एक्शन होता है। ये जो वॉलेंट्री वाले होते हैं, ठीक है, ये आई एम गुड रणवीर। वॉलेंट्री वाले जो होते हैं ना, यू कैन कंट्रोल इट, ठीक है, आई थिंक राइट, यू कैन कंट्रोल इट। ये अंडर कंट्रोल ऑफ योर विल होता है, ठीक है। अब इनवॉलेंट्री कौन से होते हैं? इनवॉलेंट्री क्या होता है? जो नॉट कंट्रोल्ड बाय योर विल, नॉट कंट्रोल्ड बाय योर विल, जो तुम्हारे विल के कंट्रोल में नहीं होता। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल? क्या इसका और इसका एक एग्जाम्पल बता सकते हो? ब्रीथिंग जैसे मान लो कि तुम्हारा डाइजेशन, यहाँ पे डाइजेशन, ये तुम चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलता हूँ वॉकिंग, ये तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम्हें चलना है कि नहीं चलना है, ठीक है। तो दिस आर द सिंपल एग्जाम्पल जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन किया है, ठीक। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so question 13 of 25 will end up this very faster now. That's our action which do not what are you saying sir, certificate to top 10? Yeah sir, we can hold it till some time, it is volunteer. So the actions which we do not do in consistent control of our brain is voluntary, involuntary, autonomic, all. गलत हो गया ये। ब्रेन सही है, सही है। ब्रेन ब्रेन तो कॉन्शियस आई थिंक ये है का जवाब गलत है। क्वेश्चन 14 सर्टिफिकेट्स होने तो दे भाई। डैश ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। इसका आंसर सिंपल है। Everyone has voted. फिर से क्या इंटरनेट? ये मत बोलना भाई कि फिर से इंटरनेट। उफ शिट यार, चलो अभी कट जाएगी, अपना काम हो जाएगा। 15th क्वेश्चन secretion of saliva in mouth is controlled by force, forebrain, midbrain, hindbrain, none। अभी थोड़ा लैग ही होगा लेकिन काम तो हो जाएगा आई थिंक सो। आई नो लैग हो रहा होगा थोड़ा बट काम चलाना पड़ेगा। सो द राइट आंसर इज ओके हिंड ब्रेन। लेट्स नॉट सी द लीडर बोर्ड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर इज नोन एज। Yeah, I know that we have some wrong polls. Brain and spinal cord is together known as. Central nervous system. Good. Question 17 of 25. Shading of leaves from the tree is regulated by dash hormone. कतई इंटरनेट घटिया चल रहा है, उसका कुछ नहीं कर सकते। या दो हार्मोन्स कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, I can see that Tanvi, there is a lag. Actually, the internet upload speed has went down. But we can end up this. A hormone which inhibits the growth in plant. A hormone that inhibits the growth in plant is auxin, gibberellins, abscisic acid, cytokinins. So the answer was basically abscisic acid. चलो गलत है। एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं। तन्वी आर राय। ओके ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 ऑफ 25। The S actions are controlled from cerebrum. Voluntary, involuntary, autonomic, all. Voluntary. Question 20. Sadness, jealousy are controlled by forebrain, midbrain. Okay. कौन बोल रहा था कि सर्टिफिकेट नहीं दिए, कॉल अनअकैडमी, ये करो वो करो. सब्र करो पहले और बात करने की तमीज सीखो, ठीक है. एनी विच वे, जो लोग भी देख रहे हैं, एज ए सेड कि सर्टिफिकेट मिलेगा तो मिलेगा, तो लेट्स गेट स्टार्ट एंड आई विल गिव द सर्टिफिकेट्स नाउ, ठीक है. बट यू कैन ज्वाइन कॉम्बैट एंड हर संडे को होता है कॉम्बैट. नेक्स्ट कॉम्बैक्ट तुम्हारा क्लास 10 के लिए होने वाला है एट 11 AM ऑन 16th में, ठीक है. एंड प्लीज़ थोड़ा सा सब्र करना सीखो, दैट विल हेल्प यू लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. हमारा एक टेस्ट सीरीज़ भी चालू है, उस टेस्ट सीरीज़ को भी तुम ज्वाइन कर सकते हो. नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है 22 मई को, कंप्लीट सिलेबस पे होता है. तो अगर आप प्लस लेते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं. नाउ लेट मी सी कि टॉप 10 में कौन कौन है. आई विल टेक अ फोटो एंड देन आई विल गिव यू. यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट मी टेक इट फोटो. ओके, ठीक है. सो एज यू ऑल कैन सी, टॉप 10 में तुम लोग दिख रहा है ना. आई विल गिव यू द सर्टिफिकेट्स टू टॉप 10, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. देखो फिर से नेटवर्क चले जाए इससे पहले ही कर लेते हैं. सो द फर्स्ट पर्सन जिसने सर्टिफिकेट लिया है एंड टू द विन दिस, द वेरी फर्स्ट पर्सन इज, व्हाट्स द नेम, रिजवान. एम आई राइट? रिजवान. So congratulations, Rizwan. Congratulations. Okay. The second person we have is, let's go to the next person. Who is the next person? So the second person we have is Siddhika. Congratulations, Siddhika. Okay, Siddhika, congratulations. You can take a screenshot, Siddhika. Okay, let's go to the next person. Next person we have is on the third position. We have Nirali. Congratulations, Nirali. Nirali. Nirali, congratulations, you can take a screenshot. Okay, so next we have, on next position we have, on the fourth position we have Anshita. So congratulations, Anshita. Anshita, congratulations. And you can take a screenshot, Anshita, basically. And next we have on the fifth position Yash. Congratulations, Yash. Congratulations, take a screenshot. Okay, on next position, on the sixth position we have now Seva Satin. Seva Stian. Seva Satin. Congratulations, take a screenshot. Okay, so next we have, on 7th position we have Shravani. So SHRAVANI. Ma'am, take a screenshot please. Okay, so next we have, on the next 8th position we have Adnina. ADINNA, Adnina. Congratulations, take a screenshot. And उसके बाद we have finally on the 9th position we have Tanvi. Okay, on the 9th position we have T H A N V I. Tanvi. Tanvi, congratulations, take a screenshot. Next. जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वीडियो को पीछे करके ले सकते हो. नेक्स्ट ऑन द 10th एंड द फाइनली वी हैव ऑन फाइनल पोजीशन यशराज, कॉन्ग्रेचुलेशन. ओके, सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉमिस्ड. जो टॉप 10 को बोला था सर्टिफिकेट देने वाला हूँ वो दे दिया मैंने एज प्रॉमिस्ड. नाउ व्हाट यू विल प्रॉमिस मी, तुम क्या करोगे बताओ. नाउ तुम क्या प्रॉमिस कर सकते हो मुझे, ठीक है? तुम मुझे बताओ तुम क्या प्रॉमिस कर सकते हो. सब्र करना सीख लो, ठीक है? सब्र करना सीख लो, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है? आई कैन सी काफ़ी लोगों ने बहुत सारा गिव सर्टिफिकेट. एनीवेज वे Anyway, thank you so much everyone for joining this session. I know कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई. प्रॉब्लम्स तुम्हें तो कुछ नहीं है, तुम तो छोड़ के जा सकते थे, राइट? बट आई वॉज हियर फेसिंग ऑल दोज प्रॉब्लम एंड मैंने किया सॉल्व. नाउ होता है कभी कभी. इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इट्स नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, सो इट हैपन्स कि इंटरनेट कभी कभी नीचे चला जाता है, कभी कभी एक ही प्रॉब्लम बार बार हो सकती है. सो वी कैन नॉट डू एनी थिंग, वी आर हेल्पलेस, राइट? थैंक यू सो मच एनी विच वे फॉर waiting for this much time. Do subscribe this channel and you can join plus now using this code SJS super. As said, काफ़ी सारे प्लस में अगर तुम प्लस लेते हो तो काफ़ी सारे सुपर बेनिफिट्स अगर इस कोड का यूज करके लेते हो. तो आई होप कि विल टेक अ प्लस सब्सक्रिप्शन एंड विल जॉइन माई क्लास. थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय, गुड नाइट. Do subscribe this channel, hit the like button.